नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइफ़ेन 50 डीटी टैबलेट के बारे में। इसके फ़ायदे जानेंगे, नुकसान जानेंगे, इस्तेमाल करने का तरीका जानेंगे और कितने दिनों तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पर टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, हाइफ़ेन टैबलेट आती है हिटेरो हेल्थ केयर कंपनी की और इसमें जो सॉल्ट है वो है सफिक्सिम डिस्पर्सिबल टैबलेट 50 mg और इसका जो MRP होता है वो है 40 रुपये 70 पैसे 10 गोलियों का। और ये 50 mg में है तो ये बच्चों के लिए है और बड़ों के लिए 200 mg में भी आती है, 100 mg में भी आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी यूसेज की, किस काम इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, सफिक्सिम एक एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरियल संक्रमण को ख़त्म करके बीमारी को ठीक करती है। तो इसका उपयोग बच्चों में होने वाली सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, आँख, नाक, कान, गले में कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, निमोनिया, टाइफाइड, साइनस और यूरिन इन्फेक्शन, फोड़ा फुंसी हो जाना, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया है और फोड़ा फुंसी, घाव को ठीक करने के लिए, चेस्ट में रेशा जम जाना, इन सभी कंडीशंस को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो डोज होती है सुबह शाम दी जाती है। तीन दिन से लेकर 7 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसे डॉक्टर की सलाह के साथ में ही इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी मर्जी से घर पर उपयोग नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाकर पेशेंट को फिर ही इसका उपयोग करना चाहिए। इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, नुकसान है इसको लेने से, अगर पेट में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, गैस बनती है बच्चे के पेट में या फिर सिर दर्द होता है, पीलिया की शिकायत हो जाती है अगर बच्चे को, तो आप इसे बंद करके अपने डॉक्टर को जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।